जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। भक्तजनों, रामचरित मानस बालकांड अध्ययन को हम जारी रखते हैं। आज हम अध्ययन करते हैं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। सुर तेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे ही प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण मनु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तनु सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। सब जगह वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी भी लोकेउ नयन उघारी, कछु न दीखत हैं दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी अर्थात सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस तरह परीक्षा ली, किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मांस परायण दूसरा भी सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बसिब सन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणामु तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीनी चरितु सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने
जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरु नावा, प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदयम विचारत शंभु सो जाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मन से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जौ अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति नत कहत महेशु कछु, हृदयम अधिक संतापू। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा। एही तनी सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीन मन मानी। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। कीन कवन पनु कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सतीम हृदय अनुमान किए सब, सबु जानु सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं शंभु सन नारी, सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है।
जलू पाए सरे से बिकाओ देखो प्रीति की रीत भली बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं वरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहियु मोर मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, निज अग समझी न कछु कहीं जाए, तपाई आवा एव उर अधिकारी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आँव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रस केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहपुनी शंभु समुझी पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मनमाही, मरमो न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जैहू दुख सागर पारा, मैं जो कीनी रघुपति अरुप अपमाना, अपमाना पुनी पति वचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रह सोई कीना, अब विधि अस बुझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं,
तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करौ सो बेगी उपाई, होइ मरनु जेहि विनहि, श्रम दुसह विपत्ति प्याई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह विपत्ति दूर हो जाए, पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। एही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सह सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जनेऊ सती जगत पति जागे, चाहे शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए, ब्रह्मा जी से सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। बड़ अधिकर दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बुली, सब करण लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जय पावत मक भाग। दक्ष ने मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधहु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेशु विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहें कल गाना, सुनत श्रवण छूटहीं मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी, जौ महेशु मोहि आयुष देई, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।
पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहू न निज अपराध बिचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आप आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नीक मोहे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सनु दुख माना, ते ही ते अजहू करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जय बिनु बोले हैं ना संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याणु ना होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा, कह प्रभु जाहूं जो विनही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर उन्हार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भंगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी ककुसलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सतई जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछे, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझी उड़ जाऊ,
पाछेल दुखना हृदय अस्व्यापा जस यह भयो महा परितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सप्तय कठिन जाति अवमाना समुझी सो सती ही भयो अति क्रोधा बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमानु न जाहि सहि हृदय न होई प्रबोध सकल सभी हटी हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भर वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहीं जुनी जिन शंकर निंदा सो फलु तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताप पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनई जहाँ तह असी मर जादा कटई तासु जीव जो बसाई श्रवण मोदी नाता चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मति निंदत देही दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजेम हुरत तुरत देह तेही हेतु उर्धरी चंद्र मौली ब्रस केतु अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रस केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मर्म सुनी शंभुगण लगे करन मख खीस यज्ञ विंदस विलोकी भृगु रक्षा कीनी मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए वीर भद्रु करी कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना सकल सुनन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया।
सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हेम गिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तय उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई जह तय मुनि सुआश्रम कीने उचित वास हेम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। आज के इस वीडियो में हम बालकांड के अध्ययन को यहीं विश्राम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे बालकांड का अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।